झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा है जो 28 जुलाई से शुरू है और 4 अगस्त तक चलेगा और इस मॉनसून सत्र के दौरान कई विधेयक भी सदन में लाए गए, लेकिन उन्हीं में से एक है झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक जो सदन में पेश होने से पहले ही विवादों में घिर गए। आखिर ऐसा क्या है इस विधेयक में और क्यों विपक्ष से काला कानून तक करार दे रहे हैं? दरअसल मॉनसून सत्र में राज्य सरकार प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 के माध्यम से ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे राज्य में नकल मुक्त परीक्षा का आयोजन किया जा सके, जिसका मकसद परीक्षाओं में होने वाली चोरी और पेपर लीक को रोकना है। और इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसे पूरे राज्य भर में लागू किया जाएगा, लेकिन कानून बनने से पहले ही यह विधेयक विवादों में घिर गई है और विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। वहीं सत्ता पक्ष इस विधेयक का फायदा गिनवा रही है, लेकिन जो परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र हैं उन्हें अब भी यही लग रहा है कि असल में इसका फायदा होगा या नुकसान। छात्र नकल मुक्त परीक्षा तो चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि राज्य में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी हो तो इस कानून के डर से वो आवाज भी नहीं उठा सके। वहीं विपक्ष इस विधेयक को लेकर के अपना अपना बयान दे रही है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ये कहा है इस विधेयक को लेकर कि वो सड़क से लेकर सदन तक इस विधेयक का विरोध करते रहेंगे। छात्रों को जेल भेजने के लिए लाया गया एक काला कानून है और सरकार की नियति साफ नहीं है, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बिल का सदन में भी विरोध करेगी और सड़क पर भी विरोध करेगी, पुरजोर विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तरीका काला कानून है आप? अरे काला कानून है तभी तो विरोध कर रहे हैं भाई। मैंने तो आपको बताया, इतना बैकग्राउंड आपको बताया कि किस प्रकार से इस सरकार में ये गड़बड़ी होते रही है। वहीं गोड्डा से भाजपा विधायक अमित मंडल का कहना है कि इस विधेयक से युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस विधेयक के प्रावधान देशद्रोह, पॉक्सो एक्ट, एसटीएससी जैसे कानून से भी कई अधिक ज्यादा ताकतवर है। जेएसएससी और जेपीएससी जैसी परीक्षाओं का विरोध ना हो इसलिए भी इस कानून को लाया जा रहा है। अगर कभी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली हो या फिर सीटों का बंदरबांट हो तो छात्र इसका विरोध ना कर सके, इसलिए भी इस विधेयक को लाया जा रहा है। अभी सरकार की टाइमिंग देख लीजिए, 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति लेकर आई है, लेकिन सरकार ये स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि इसमें 1932 के खतियाने होंगे या नहीं, सीटेट के उम्मीदवार होंगे या नहीं, लेकिन इस नियुक्ति के खिलाफ जो भी आवाज उठाएंगे उनको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। वही आपको बता दे कि मॉनसून सत्र के 5वें दिन मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक को सदन में पेश किया। विपक्ष इसका विरोध करते हुए सदन में नारे लगाने लगी कि काला कानून वापस लो, जिसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन लोगों को यह विधेयक काला कानून नजर आता है वो अपनी आंखों से काला चश्मा हटा लेंगे तो उन्हें सब कुछ सफेद दिखेगा। मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, पहले तो आप आंखों से जो काला चश्मा है उसको उतार लीजिए तो सारा कुछ सफेद दिखेगा। आपको सारी चीजें ही आप दुनिया में काली दिखाई दे रही। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि हमारी मंशा सरकार पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि इस विधेयक में जो प्रावधान दिए गए हैं वो बहुत ही कठोर है और छात्रों के प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार ने कानून हम सबों के सामने, यह विधेयक बना के सामने रखा है विधानसभा में, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा रोकथाम निवारण के उपाय विधेयक 2023, मैं सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। सरकार चाहती है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, मैं उसका पक्षधर हूँ और जो उपाय भी कर रहे हैं उसके भी पक्षधर हूँ, लेकिन कुछ जो कठोर चीजें इसमें रखी गई है, मैं सरकार से आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा कि अगर धारा 12 देखें आप और धारा 15 को यदि आप देखें, जो परीक्षार्थी यानी जो छात्र अगर नकल करते पकड़े गए तो उन्हें 3 वर्ष की सजा इन्होंने पहली बार कहा है और 5 लाख के दंड है। हमें लगता है कि ये पहले भी, यह 6 माह का था अध्यक्ष महोदय, कि पहले भी अगर नकल करते कोई पकड़ा गया तो 6 माह की सजा पहले भी था, तो इतना कठोर करने की आवश्यकता नहीं है, उसको 11 महीने सरकार करे, ये मेरा आग्रह होगा। और दूसरे बार अगर कोई नकल करते पकड़ा गया तो उन्हें 7 साल है, हमें लगता है कि उनको 3 साल तक आप करें,
ताकि लोगों को लगे कि भाई जो पहले से था उसमें थोड़े कठोर किया गया, बहुत कठोर ना किया गया। हालांकि इस विधेयक के विरोध होने के बाद इस विधेयक के प्रावधानों को बदल दिया गया और 7 साल की सजा को 3 साल में बदला गया और 3 साल की सजा को 1 साल में तब्दील कर दिया गया। 2 संशोधन के साथ ही इस विधेयक को सदन में पास कर दिया गया।